Мысли напомни имена, лица, номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от ведра, это я иду в магаз. Звучу консультант. ये गाड़ी है यमहा R15 MBS6 2023 का मॉडल है। हम करने वाले हैं इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू, जानेंगे इस गाड़ी का प्राइस कितना है, माइलेज कितना है, टॉप स्पीड कितनी है, कितने सीसी का इंजन लगा हुआ है, किसको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी का प्राइस। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 1,95,000 रुपये पड़ जाएगा। RTO चार्ज आपका 20,000 रुपये पड़ जाएगा। इंश्योरेंस आपका 14,000 रुपये पड़ जाएगा। और सभी चार्जेस मिला के आपको ये गाड़ी 2,31,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाएगी। ये मैं आपको लखनऊ का प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट की, तो हेडलाइट में आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, 2 DRLs मिल जाते हैं आँख की तरह दिखने वाले। R15 M का स्टिकर यहाँ पर मिल जाएगा, नंबर प्लेट यहाँ पर लगा सकते हैं। विंडशील्ड यहाँ पर बड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। चाबी लगाने का इग्निशन हैंडल बार के पास में दिया गया है। बात करें मीटर कंसोल की, तो फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है। अभी बैटरी से कनेक्शन नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। इस गाड़ी में इंजन वार्निंग लाइट, ABS की लाइट, न्यूट्रल का सिग्नल, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। बात करें हैंडल बार की, तो लेफ्ट साइड में आपको पास का स्विच मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक मोड, स्ट्रीट मोड। उनको सेट करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। इंडिकेटर का बटन यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे नीचे आपको हॉर्न का बटन मिल जाएगा। दूसरी तरफ इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट का बटन एक ही में दिया गया है। हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। बात करें फ्यूल टैंक की, तो R15 M की बैजिंग यहां पर आपको मिल जाती है। यमहा का लोगो फ्यूल टैंक के दोनों तरफ आप देख सकते हैं। E20 फ्यूल सपोर्ट करेगा। 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। 55 की माइलेज मिल जाती है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये गाड़ी 600 किलोमीटर तक ले जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी के सीट की, तो स्प्लिट सीट मिल जाती है। राइडर और पिलियन के लिए 2 अलग अलग सीटें दी गई हैं। इसकी कुशनिंग काफ़ी बेहतर है। VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का स्टिकर यहां पर मिल जाता है। पिलियन की सेफ्टी के लिए इंटीग्रेटेड ग्रैबरेल दिया गया है। बात करें फ्रंट की, तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको गोल्डन कलर में मिल जाते हैं। बॉडी कलर में आपको मड गार्ड मिल जाता है। ब्रेक्स कैलिपर मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो ABS की रिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 282 mm का फ्रंट में बड़ा सा डिस्क मिल जाता है। बात करें टायर साइज की, तो 100x80 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ब्लू कलर में अलॉयज मिल जाते हैं। लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, इसलिए रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। सिंगल हॉर्न यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। LED में आपको 4 इंडिकेटर मिल जाते हैं। फेयरिंग की बात करें, तो R15 M का स्टीकर, क्विक शिफ्टर का स्टीकर आपको फेयरिंग में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो इंजन की सेफ्टी के लिए इंजन काउल दिया गया है, यमहा का स्टिकर मिल जाता है। बात करें इंजन की, तो 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्स पावर की बात की जाए तो 18.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। रियर ब्रेक्स पैडल मिल जाता है। फ्रंट का फुटरेस्ट मिल जाता है, रियर फुटरेस्ट मिल जाता है। बड़ा सा एग्जॉस्ट पाइप आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा येल्लो कलर का। बात करें टायर साइज की, तो 140x70 R17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर रियर में मिल जाता है। ब्लू कलर में अलॉयज मिल जाते हैं। 220 mm का डिस्क मिल जाता है। डुअल चैनल ABS की रिंग मिल जाती है। ऊपर ब्रेक्स कैलिपर मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर यहां पर मिल जाता है। LED में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं चारों। टेल लाइट भी आपको LED में मिल जाती है। दूसरी तरफ आपको सारी गार्ड मिल जाता है। रियर फुटरेस्ट मिल जाता है। ओपन चैन मिल जाती है। फ्रंट का फुटरेस्ट मिल जाता है। 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है ये गाड़ी। इस गाड़ी में आपको सिंगल स्टैंड मिल जाता है, जिसमें लगा हुआ है सेंसर, इंजन कट ऑफ सेंसर। जब तक ये स्टैंड लगा रहेगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। थोड़ी सी और जानकारी की बात करें, तो इस गाड़ी में डुअल चैनल ABS आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। क्विक शिफ्टर मिल जाता है। 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक मोड, स्ट्रीट मोड। टॉप स्पीड की बात करें, तो ये गाड़ी 140 टच कर सकती है। 725 mm की आपको विड्थ मिल जाती है। 1990 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। सीट हाइट आपको 815 mm की मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिल जाता है। कर वेट आपको 142 kg का मिल जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। R15 M पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।